राजधानी रायपुर के अति संवेदनशील क्षेत्र भाटा गांव और मंगल बाजार में कोरोना के प्रति लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। उनके न सुधरने की वजह से कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और इन क्षेत्रों के करीब 200 लोगों को धारा 188 के तहत नोटिस दिया गया है। इसके साथ ही शहर के सभी इलाकों में पुलिस सख्ती बरत रही है ताकि कोरोना को नियंत्रित किया जा सके। कलेक्टर और एसएसपी लगातार शहर का भ्रमण कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राजधानी रायपुर में 200 कंटेनमेंट जोन सक्रिय हैं। इनमें कुछ एरिया ऐसे हैं जो हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हांकित हैं और उनमें मंगल बाजार, भाटा गांव शामिल हैं। राजधानी रायपुर में कम्युनिटी स्ट्रीट का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। आज हम मंगल बाजार में मौजूद है जहां पर आप देख सकते हैं कि टोटल कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। यहां पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो वो सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। काफी लोगों पर यहाँ पर जो कलेक्टर है उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर फिर भी नहीं सुधरे तो इन पर कार्रवाई होगी। तो इस तरीके का यहाँ पर नजारा जो है वो आप देख सकते हैं। कलेक्टर ने टोटल लॉकडाउन किया है उसके बाद भी इनकी जो मनमानी है वो नजर आ रही है। आप खुद ही देखिए कि यहाँ पर काफी लोग जो है वो घर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके का नजारा जो है राजधानी के सबसे ज्यादा यहाँ पर अधिक मामले मिल रहे हैं जहाँ सबसे ज्यादा लॉकडाउन की जरूरत है वहां पर आप देख सकते हैं कि लोग अभी भी वहां पर भीड़ बनाए हुए खड़े हैं। आप शासन प्रशासन भी इनको बोल बोल कर जो है थक चुका है कि बाहर मत निकलिए, कोरोना का खतरा यहाँ पर ज्यादा है। लेकिन लोगों की जो मनमानी है वो साफ तौर पर देखी जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन इनको लगातार मना करती आ रहे हैं। साथ ही इन्हें कार्रवाई के लिए भी चेतावनी जो है वो दी गई है। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर।